नमस्कार सभी होते और आपक फिर से स्वागत है हमारे बड़े गांव में। तो आज एक वीडियो अब हम दिखौला आपते अपर घर जो कि 200 साल पुराना चु। तो जल्दी जल्दी दिखाती हूँ मैं आपको। हिंदी भी बोल लो, गढ़वाली भी बोल लो तो बुरा ना माने, केले के लोग बोलता कि तुम गढ़वाली में अकेले नहीं बोलता। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता गढ़वाली बोल के, इसलिए हिंदी भी बोलनी पड़ती है। तो आप प्लीज़ माफ़ करें अगर आपको बुरा लग रहा है इस बात का, तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोग को ये बात पता चले। तो घर की बात करें, अगर घर की शुरुआत में आप देखेंगे, ये जो है ये पत्थर है गांव में, मतलब ऐसे पत्थर थोड़ा गांव से थोड़े दूर मिलते हैं तो वहां से ये पत्थर लाके लगा रखें। तो पत्थर कभी भी खराब नहीं होते हैं। कभी कभी अगर लीक होती है छत तो बस मिट्टी से लीप देते हैं। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, शुरुआत ऐसी है यहाँ पे, और शुरुआत करेंगे हम केदारनाथ के द्वार से। तो आपको लगेगा कि आप केदारनाथ के द्वार में आ गए हैं, वैसे ही कुछ कलर है। और दरवाजे हैं पहले के ऐसे हुआ करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक दरवाजा है मेन जो खुला है, वैसे वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है पहले के लोगों ने। तो गर्मी होती है, अब तो गांव में गर्मी होती है, पहले इतनी नहीं होती थी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में। तो अब आप देखेंगे ये और ये क्या है, ये भी उसी की तरह ऐसे दरवाजे हैं, बंद है। नहीं तो क्या होता है, ये भी खुले रहते हैं और बहुत अच्छा यहाँ से, मतलब बहुत सी धूप जाती है, पूरे कमरों में धूप जाती है और सर्दियों में बहुत अच्छे से लोग यहीं पे बैठ के धूप सेकते हैं। और ये रंग का जो क्रेडिट जाता है, ये जाता है मेरे भाई को, सचिन कंडवाल को, जिसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ अभी। उसने बहुत दिन देके अपना सारा काम छोड़ के ये सब कलर किया हुआ है। अभी तो जैसे आप नीचे देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे सीमेंटेड बना रखा है। पहले ऐसा था कि पहले सिर्फ इतना इतना था बस चलने का, बड़ी मुश्किल से आते थे, मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का। थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है तो इतने ही थे। ये भी बड़े बड़े पत्थर है, ये एक पत्थर है यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके आगे तक दूसरा पत्थर है। ऐसे ही यहाँ पे दो पत्थर लगे थे जिनसे हम चल के आते थे। हमें बहुत डर लगता था, हम ऐसे ऐसे पकड़ के आते थे बिल्कुल। तो हमारा भाई हमें हाथ से ऐसे हाथ देता था, हमें लगता था हम गिर ना जाएं, क्योंकि ये पत्थर थोड़े से टेढ़े थे, हल्के से, शायद पुराना घर है तो इस वजह से हो गए होंगे। अंदर अगर हम आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। तो ये लॉक है और लॉक लगता है कुछ इस तरीके से, ये अंदर का है, ये बंद होता है यहाँ पे लगता है। तो गाँव के ये मजबूत और टिकाऊ हैंडमेड जो थे ऐसे बना करते थे, मतलब पहले के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग इसको बनाया है। और ये अभी तक, ये 200 साल से ऐसे कैसी है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और ये एक पूरा का पूरा हॉल है स्टार्टिंग में, जब हम अंदर से बंद करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो लकड़ी है आप देख सकते हैं, ये हमने दोबारा लगाई है, टूट गया था और बीच में यहाँ पे लगा रखा है एक कील बड़ी वाली। तो इसको हम बंद करते हैं इस तरीके से और ऐसे बंद कर देते हैं बस, तो ये हो जाता है टाइट बहुत ज्यादा। ऊपर अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी सील, जो हमारी सीलिंग है, वैसे तो ये पूरा लकड़ी का अंदर से और पत्थर है इसमें, लेकिन प्लास्टिक इसे लगा रखा है क्योंकि कभी कभी लीक करता है, तो इस वजह से प्लास्टिक लगा रखा है। ये हमारी दादी जी, काश मैं आपको दादी को भी दिखा पाती क्योंकि अब दादी हमारे बीच नहीं है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका शेप कुछ इस तरीके से है। इनको हम आला बोलते हैं, आला मतलब पुराने जमाने के जो लोग थे वो यहाँ पे सामान रख देते थे। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी रखा है आपने, यहाँ पे देखो उन्होंने सैनिटाइजर रखा है, थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ जो हमने किया है सैनिटाइजर रखा है, तो ये आला जो होता है। और ऐसे ही सब कुछ है यहाँ पे भी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे घड़ी लगी है, कुछ फोटोज लगी है, स्टोरेज का है, यहाँ पे भी सामान रखा रहता था। पर सोचने वाली बात है, आज हमें आज हम प्लान करते हैं ऐसा स्टोरेज बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। और पहले के लोगों का दिमाग देखिए कैसे कारीगर थे, और तब तो पढ़ाई भी नहीं थी इतनी, तभी भी उन लोगों ने कितना बढ़िया, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा इस तरीके की जो ये कपड़ा है, वैसे ये साड़ी है, साड़ी है तो साड़ी का पूरे कपड़े को क्या करते थे कि पर्दा बनाते थे। और ये ऊपर क्या है, स्लैब, स्लैब सिर्फ एकमात्र लकड़ी है। तो जब ये लकड़ी लाया करते थे, जो मेरे भाई ने मुझे बताया, लकड़ी जब लाया करते थे तो सोचो ये दो दो तीन तीन लोग लेके आते थे, ये बहुत ही बेहद भारी लकड़ी हुआ करती थी। एक लगी है और ये लकड़ी यहाँ से बाहर तक गई हुई है और इसी वजह से टिकी हुई है, वरना लकड़ी टिकेगी कैसे। तो ये आधा जा रखी है इसके अंदर। इसको अगर मैं खोलूंगी तो यहाँ पे टीवी है। ये टीवी मम्मी को मिला था शादी में, नाना जी ने दिया था, बहुत ही सुंदर टीवी है। कि स्टोरेज का है, यहाँ पे कुछ भी आप स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। और ये देखिए, अरे मिट्टी तेल मिलना बंद हो गया मिट्टी तेल मिलना बंद हो गया, लेकिन ये था। और इसकी लाइट में भी मैंने भी पढ़ाई की है इसकी लाइट में, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नई भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं हूँ, तो मैंने भी पढ़ाई की है। बहुत बहुत कम लाइट होती है, मतलब आंखें फूट जाती हैं जब पढ़ने बैठते हो। तो ये है। और इसके अलावा
यहाँ पे ये हैं मास्टर जी, जिनको बहुत ठंड लग रही है तो सर्दियों की तैयारी करके बैठ चुके हैं। अब हम जल्दी से जाएंगे क्योंकि हमें जाना है घर। थोड़ा सा मॉडर्न भी हो गया है गाँव। यहाँ पे देखो आप मिक्सी देखोगे, घर में मसाले पीसना प्रेफर करते हैं तो ये भाई ने रखा हुआ है, घर में मसाले पीसता है सारा का सारा, और एक इलेक्ट्रिक केटल भी रखा है, तो थोड़ी सी मॉडर्निटी भी जुड़ चुकी है। लेकिन घर 200 साल पुराना है, चीजें 200 साल पुरानी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक फैन लगा है, जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा मौसम रहता है हमेशा, और गर्मी होती है तो उतनी गर्मी नहीं होती। मतलब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। ये है दादी का कमरा, और ये जो है इसको हम बहुत मानते हैं, ये होता है खोली का गणेशा, और इसके ऊपर नरेंद्र सिंह जी ने गाना भी बनाया, डैणा हो या खोली का गणेशा। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे घर में कुछ भी होता है, पूजा का कोई फंक्शन होता है, तो सबसे पहला टीका इसी को लगता है। घर पे कोई आता है और वो जा रहा है सदस्य, तो भी इसमें टीका लगता है, और क्योंकि ये गाँव है, हमारा धरोहर है, तो हमेशा प्रणाम करके हम जाते हैं, उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। वो ये एक बल्ब है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कीले हैं, उसमें आप टांग सकते हैं बहुत सारी चीजें। ये है मिल्टन, जिसको मेरी दादी टमलेट बोलती थी। मुझे कमेंट में प्लीज मेंशन करके बताना कि टमलेट का मतलब क्या होता है, मिल्टन का उल्टा बोलती थी टमलेट या पता नहीं, वो उनको अच्छा लगता था इसलिए बोलती थी। मैं लालटन लेके घूम रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो मैं आज कवर करके जाऊँ। ये है सुप्पा, दो तरीके के सुप्पे यहाँ पे टंगे हुए हैं। तो ये है टिन का सुप्पा, जो मॉडर्न हो गया है थोड़ा सा, अब लोग टिन के बनाने लग गए, जिसमें हम तेल लेते हैं उसी वाले कंट्री से ये बनता है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑथेंटिक में आता है, ये बहुत पुराना है, इसमें नीचे से होती है गोबर की लिपाई, आप देख सकते हो उसमें लिपाई भी हो रखी है, मिट्टी और गोबर की लिपाई भी हो रखी है, इसमें दोनों साइड होती है, पीछे भी होती है और आगे भी होती है। ये हमारा जंदरू है, इसमें हम आटा निकालते थे पहले। पहले के लोग क्या करते थे कि एक दिन का ही आटा उन्हें चाहिए होता था, वो निकाल लेते थे, 2 किलो आटा भी निकाल लेते थे। हम लोग क्या करते, हम लोग 10-10, 20-20 किलो पिसाते क्योंकि हमें आलस आता है। उससे क्या होता था कि जब वो उसको चलाते थे ना, तो ये एक्सरसाइज भी हो जाती थी, उनकी फिटनेस का भी यही राज है, और प्लस अच्छा ऑर्गेनिक घर का उनको मिल जाता था इंस्टेंट, जिनके लिए वो घर पे तो मेहनत करते थे, बाहर जाके कुछ नहीं कराना पड़ता था। तो वो ये यहाँ पे एक हैंडल लगता है जो नीचे रखा है अभी, और उसको बस घुमाते हैं, यहाँ पे घी डालते रहते हैं, और फिर निकलता है यहाँ से, इस साइड से भी निकलता है, फिर वही हम आटे को इकट्ठा करते हैं और फिर खाते हैं। बाकी ऑर्गेनिक चीजें अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे दिख गया ये, तो आप देख सकते हैं ये दारू की बोतल का भी बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। कौन सी दारू की बोतल है, ओल्ड पोर्ट, मैंने सुना नहीं नाम। इसमें रखा है आपका धनिया, इसी धनिया को पीसते हैं लोग मिक्सी में, मतलब ऑब्वियसली बात है मिक्सी में इसलिए पीसते हैं ताकि कम से कम घर का खा पाए। तो ये हमारे खेत में हो रखा था, और ये बहुत सारी चीजें ऐसी ऑर्गेनिक। यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे नीचे के साइड, इसमें क्या होता था, टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता था, तो क्या करते थे कि पहले के टाइम पे फ्रिज नहीं होते थे, तो लोग ना यहाँ पे रखते थे जैसे दही वगैरह, जो चीज दूध जो फटे ना था कि, तो वो यहाँ रखा जाता था। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि गांव जो है हमारा वो सड़क से 1 किलोमीटर लगभग की दूरी में नीचे है, तो रोज रोज सामान नहीं ला सकते, इसलिए क्या है सारा का सारा चीनी आपका तेल का कंटर ये सब पहले स्टोर करके रख दिया जाता है। और सोलर का भी हम यूज कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ अब लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाएं कुछ अपने जनरेशन के लिए, और सोलर का भी यूज करें। तो देखिए हम भी यहाँ पे सोलर की बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जो इनफैक्ट मैं लालटेन अभी लेके घूम रही हूँ, ये भी सोलर की है। ये है चाची का कमरा, सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे फिटिंग है, सेम यहाँ पे वही है खोली का गणेश है। इनफैक्ट यहाँ पे गणेश भगवान बन भी रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश भगवान बन रखे हैं, उन पर तिलक भी लगा रखा है यहाँ पे। अंदर आएंगे तो सेम लॉक आपको मिलेगा, सेम दरवाजे, ये दरवाजे बहुत अच्छे हैं, इनमें अभी तक दीमक नहीं लगा है, बहुत हैवी दरवाजे हैं। नीचे आप देख सकते हैं, अगर हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, मिट्टी की लिपाई हो रखी है, इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मिट्टी की लिपाई हो रखी है। इसमें झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल होता है, देखो कि मिट्टी निकलती है, मतलब किलो किलो के हिसाब से रोज मिट्टी निकल जाती है। भगवान जी वाला स्पेस है, जो कि हमारे पॉजिटिव एनर्जी का जो केंद्र है वो यही है, और असली देवी देवता वैसे हमारे यहीं बसते हैं, और पुराने घर में ही बसते हैं क्योंकि ये काफी टाइम से स्थापित है। इसमें हमारे भैरव देवता की एक फोटो लगी है, काल भैरव की, और बहुत सारी अन्य मूर्तियां भी लगी हैं, तो आप देख सकते हैं वही बाकी सब साड़ियां हैं और सब वही चीजें हैं सेम। तो पहले हम बहुत बड़ी फैमिली थे, काफी बड़ा परिवार हमारा था, अब तो क्या हो गया कि सबके अपने बच्चे बच्चे बहुत बड़ा, उनकी खुद की सिंगल सिंगल फैमिली बहुत बड़ी हो गई। तो पहले क्या था, एक ही घर में बहुत सारे फैमिलीज रहते थे, मैं नाम तो सबके नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ।
तो यहाँ पे भी मतलब ये स्पेस है और दिखा यहाँ पे ये स्पेस है, वो रास्ता भी नीचे को जाता था। तो पहले क्या था कि वो दरवाजा भी खुला था, क्योंकि जब हम जाते थे तो हम उस दरवाजे से भी नहीं जाते थे, वहाँ पे पूरी लिपाई वाली सीढ़ियां हैं पुराने वाली। तो बक्सा है, पहले जब हम यहाँ रहते थे तो बहुत सारी बिल्लियां आती थी, चूहे आते थे, वो भी हमारे साथ सोते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बीच में हमने कुत्ते बहुत सारे पाले थे तो अब वो आते नहीं है। बाहर की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो यहाँ पे मौसम देख सकते हो, उधर की तरफ छांव हो रखी है बहुत बढ़िया वाली, और इधर की तरफ थोड़ा बारिश जैसा मौसम बन रहा है। और चाचा भी दिख गए, और चाचा दिख गए, और चाचा क्या लेके आए, चाचा को बनियान में किसे आप दिख गए हमारे हैंडसम से, और चाचा लेके आए हैं हल्दी। तो ये हल्दी किसको मिलेगी, कौन से दर्शक को मिलेगी, ये अभी हम डिसाइड करेंगे। थैंक यू चाचा। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तू सुन कितनी अच्छी आ रही है, वाह एकदम प्योर। ये प्योर हल्दी है बिल्कुल, ये किसी ने मंगाई है मुझसे, तो ये किसी के लिए है। अगर आपको अच्छी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिएगा, और अपना नंबर ड्रॉप कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो अब बाकी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे भाई ने ये सारा करवा रखा है, ये है बांस की लकड़ी और उससे पूरा बना रखा है, मतलब ताकि बेल के लिए आसानी हो ऊपर चढ़ने में। ये देखिए यहाँ पे दरवाजा भी बना रखा है, वैसे ये भाई ने किसी से बनवाया है, और गांव में अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम के बारे में जल्दी से बता देती हूँ, बार्टर सिस्टम में ये होता है कि आप मुझे कुछ देंगे और मैं उसके बदले आपको कुछ दूंगा। और उससे क्या हुआ कि भाई ने उसे अंडे दे दिए थे क्योंकि हमारी काफी सारी मुर्गियां हैं। और उसके अलावा अगर हम आए तो यहाँ पे क्या क्या लगा है, ये लगा है यहाँ पे बैंगन, वो लगा है अरबी, अरबी के पत्ते मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाए थे होम टूर वाले में, हमने पत्तीउड़ भी बनाया, तो अगर पत्तीउड़ वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर दिखा रही होगी, प्लीज जाके देखें। ये है हल्दी, अरबी अभी हमने आपको हल्दी दिखाई थी, तो वो हल्दी निकलती है इनसे, ये जो है हल्दी। भिंडी भी लगी है, भिंडी देख लीजिए कितनी बड़ी भिंडी है ये। हाँ बोल रही है भिंडी आपको, क्यूट भिंडी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लकड़ी थोड़ा ऊपर कर देते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो ये हो रहा है लकड़ी में पानी गर्म। ये है डिक्चा, ये तो बड़ा डिक्चा है, बड़े डिक्चे में तो पानी गर्म करते हैं, छोटे डिक्चे में बनता है हमारा बहुत सारी चीजें, जैसे ज्यादातर मेरी नानी बनाती थी क्या काली दाल, ये उड़द वगैरह बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही टेस्ट। आलू की वो भी बनती है, मतलब आलू आलू को जब भूनो तो उसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है चूल्हे में, मेरी नानी बहुत अच्छी बनती है। अलग से टॉयलेट और वो नहाने का स्पेस, 24 घंटे पानी आता है, ठंडा पानी आता है स्रोत का। ये तो ये कलचौड़ी है गाय के लिए, तो जितना भी खाना है गाँव में वो यूटिलाइज होता है, वेस्ट हम कुछ नहीं करते हैं। अंदर अगर आप आए तो मुझे यहाँ पे सोलर लालटेन जलानी पड़ेगी पहली चीज, क्योंकि लाइट नहीं है। ये है किचन, किचन में ऊपर देखेंगे लिपाई हो रखी है, और ये लकड़ी है पूरी की पूरी। अब इसमें केबल जा रही है, वो केबल शायद बहुत बाद में लगाई होगी, तो पहले की ये है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करवा रखा, चूल्हे में खाना बनता था उस वजह से काला हो चुका है पूरा, अगर जो आपको काला दिख रहा है। और अब तो हम गैस का भी यूज करते हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है लोगों पे, तो गैस का भी यूज करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं, तो हमारे पास चूल्हा भी है। लेकिन जब भी श्राद्ध होता है या कोई भी कार्य होता है तो लिपाई होती ही होती है इसमें चूल्हे में, ये मतलब हमारे यहाँ का एक संस्कृति है कि लिपाई होनी जरूरी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे लोही कढ़ाई रखी है, ये स्पेस है लकड़ी उकड़ी के लिए, और ये सब चीजें यहाँ पे रखी हुई है, टॉर्च मैंने पिचका दिया है, ये पुराना है काफी, इसमें सामान स्टोर करके रखते हैं, और ये सारे की सारी मिट्टी की लिपाई इसमें होती रहती है। अच्छा है, कीड़े उड़े नहीं आते। हमारा बंठा है यहाँ पे, ये छोटा बंठे का बेबी भी है यहाँ पे छोटा, और ये दो बंठे हैं, तो देख सकते हैं अलग अलग मटेरियल में, ये स्टील में है, ये स्टील में है ना, और ये तांबे में है, तो वैसे तांबा का ज्यादा अच्छा माना जाता है, और तांबे के लोटे का पानी बहुत अच्छा होता है, तो ज्यादातर लोग तांबे का यूज करते हैं, ये इससे पानी निकालते हैं, इजी रहता है, और इसको इसके ऊपर रख देते हैं और फिर पानी निकाले और अपने जो भी जिसमें भी पानी पीना है उसमें डाल दें। ये बंठे हैं, ये भारी भारी वाले हैं, ये तो मतलब बड़े, ये तो इनके खुद का ही वेट बहुत ज्यादा है। ये भी उभरा है मतलब, और यहाँ पे द कम, ये किचन के अंदर का भी एक कमरा टाइप का है, यहाँ पे आला बना है, वो भी सेम चीज यहाँ पे रखते हैं। लकड़ियां रखी है यहाँ पे, हमने कुछ वैसी चीजें रखी है जो खेती में प्रयोग करी जाती है, तो आप देख सकते हैं ये वैसे चाचा का किट है वैक्सीनेशन का, क्योंकि चाचा हमारे वेटनरी में है तो वैक्सीनेशन का किट है। और आप ये देख सकते हैं हमारे जितने भी गढ़वाल में चटनियां, जितने लोगों को पसंद है गढ़वाली गढ़वाल की, और नमक जो हम लूण बोलते हैं पिसी लूण, तो वो हम ये मई बनाता, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज। और ये था लोग, ये पत्थर चीज, पत्थर में क्या कर रखा है कि इन्होंने इसको थोड़ा थोड़ा फिसले ना, तो इसलिए क्या कर रखा है यहाँ पे छेद छेद से बना रखे हैं, कान में लग रखे हैं वैसे पत्थर है। और अगर आप इधर आते हैं तो इधर रखी है अंडे की बहुत सारी ट्रे, क्यों रखी है क्योंकि
ऑब्वियसली बात है हमारी बहुत सारी मुर्गियां हैं जो अंडे देती रहती हैं प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से, और उनके अंडे मैं आपको दिखाऊंगी। एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है जिसके बारे में मैंने बताया था कि जब हमारे पास फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो हम इनको यूज करते थे, तो ये भी है, मतलब ये इस तरीके से बंद होते थे। इतना भारी है कि मेरे एक हाथ से नहीं उठ सकता, बहुत भारी है, बहुत भारी। छोटी मुर्गी के अंडे हैं, बहुत छोटी मुर्गियों के अंडे, ये आप देख सकते हैं, बड़े ही सुंदर से अंडे हैं। मतलब इनका कोई वेट ही नहीं है, पता नहीं इसको कोई खाता भी कैसे होगा, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो खाऊंगी नहीं, पर मैं वैसे बोल रही हूँ। और ये अंडे इतने सुंदर सुंदर अंडे हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। किसी को अंडे भी चाहिए तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस करो, गांव के फ्रेश अंडे भेजेंगे हम आपके लिए जल्दी से ऑर्डर प्लेस करो। देखो बस यही सब चीजें आप देख सकते हैं, यही सब है और यही हमारी प्योरिटी है, यही हमारी शान है, और इसी के लिए तो लोग आते हैं उतने दूर दूर से यहाँ हमें मिलने के लिए। तो जितने लोगों को ये बात पता नहीं होगी उनको मैंने बता दूँ, मैं सिर्फ घर का घी खाती हूँ, बाहर का कोई भी मार्केट का घी नहीं खाती, क्योंकि मेरी मम्मी भी घर में बनाती है और नहीं तो हमारा गांव से आता है, चाची हमें घी भेजती है। बिल्ली का मुंह अगर दूध में लग जाएगा तो बिल्ली पानी कैसे पिएगी, दूध ही पिएगी, तो वैसे ही है इसमें हिसाब। तो ये था हमारा एक क्विक टूर हमारे घर का, अपने साल पुराने घर का अपने, और इन वादियों में मैं बार बार आ जाती हूँ। वीडियो कभी कभी मेरा मन करता है मैं वीडियो ना बनाऊँ और सिर्फ इनको एंजॉय करूँ, लेकिन फिर मुझे आपकी याद आ जाती है, मैं सोचती हूँ कि आप लोग फिर बोलेंगे कि गए घूम के आ गए, फोटोज डाल रहे हैं लेकिन वीडियो नहीं डाली, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि मैंने क्या मिस किया, कौन सी चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी और मैंने गलत बताई, एक तो आप ये बताएं, और दूसरा आप ये बताएं कि आपको क्या चीज़ ऐसी लगी जो आपके दिल को छू गई और आपको जो चीज़ देख के आपको अपने बचपन की याद आ गई। मम्मी मिल लो आप ते अपनी अगली वीडियो में, तब तक कुंड बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, और आप सभी ध्यान रखें आप, और गढ़वाल में आओ, बड़े गांव जरूर आओ, और अगर आप मेरी पहली वीडियो नहीं दिखी तो जल्दी से जाकर देखें।